8 सितंबर 2020 को शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के रोजगार अधिकार दिवस पर उपस्थित कार्यकर्ता कन्वेंशन के रूप में यहाँ पर उपस्थित इनकलाबी नौजवान सभा के सदस्य कांग्रेस संजय पासवान जी, भाकपा माले के प्रखंड कमेटी सदस्य इंदल बिंद जी, राजेश पासवान जी, राजेश रविदास जी और इस लेनी गांव में इस सभा में उपस्थित तमाम छात्र नौजवानों को मैं भाकपा माले इकाई की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। भगत सिंह की जिंदगी के बारे में हमारे पूर्व साथी जो संजय पासवान जी थे विस्तार पूर्वक रखे, इनका कब जन्म हुआ, इनका उद्देश्य क्या था और इनको फांसी के फंदे पर लटकाने के क्रम में क्या जो अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। आज हम लोग जो देश में तो नकली आजादी मिल गई है लेकिन हम असली आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हम आप लोग से यह कहना चाहते हैं कि जिस समय आज नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए हुए लगभग 6 साल बीत चुका है, इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने यह कहा था कि बहुत बड़ी बहुत बढ़ा बेरोजगारी अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने यह भी कहा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। तो साथियों आप लोग जान रहे हैं हम आप लोग से जनसंवाद करने यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम लोग भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। इन्होंने यह कहा था कि हम यहाँ के तमाम नौजवानों को रोजगार देंगे, कहने का मतलब है कि रोजगार एक शिक्षकों का रोजगार देना और दूसरे जो हमारे नौजवान हैं जिनको मतलब कहीं पर कोई रोजगार का संभावना नहीं है, वो अनपढ़ हैं, उनको मतलब छोटे छोटे फैक्ट्री लगा करके और अपने राज्य नहीं रोजगार देना। इतना तक नहीं कि हमारे नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें बिहार के नौजवानों पर गर्व है, हम यहाँ के नौजवानों को अदर स्टेट में जाने नहीं देंगे काम करने के लिए, मेरे लिए स्वाभिमान की बात है और हमको आप सत्तासीन कीजिए। साथियों आप लोगों ने नीतीश कुमार के झांसे में आकर के उनको सत्तासीन किया, सत्ता पर बैठे और आज इनका 15 साल शासन का बीत चुका है लेकिन आप देख लीजिए बिहार में एक भी सुई का कारखाना नहीं खुला जिसने कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। इतना तक नहीं कुछ और औद्योगिक कल कारखाने हमारे चीनी मिल्स उर्वरक मिल्स थे वो सारे के सारे बंद हो गए। आप देख रहे हैं कि लाचार होकर के हमारे जो यहाँ के नौजवान बेरोजगार थे दूसरे स्टेट में काम करने जाते थे, मोदी ने तुकी फरमान जारी किया नोटबंदी के जरिए। ऐसा क्यों? इन्होंने जो वादा किया था कि जो विदेश में काला धन है वो काला धन को मैं लाऊंगा सबसे पहले 87 होने के 3 महीने के अंदर अंदर और तमाम गरीबों को खाते में 15-15 लाख रुपया डाल दूंगा। नोटबंदी का झांसा दिखा करके इन्होंने ब्लैक मनी को साफ किया, बड़े बड़े भाजपाइयों का आशियाना बिल्डिंग बना, उनका मतलब कहने का मतलब है कि भाजपाइयों का कार्यालय बना लेकिन हमारे गरीब गुरबे सैकड़ों लोग जो मतलब जरूरतें की चीजें पूरा करने के लिए चाहे शादी विवाह हो रोजगार बीमारी हो लाइन में खड़े खड़े अपने जान को गवा दिए। दूसरी तरफ आप देखिए नोटबंदी से पूरा कल कारखाना बंद हो गया, हमारे बेरोजगार भाई वहां से लाचार होकर के 2-3 महीने आशा देख करके वो घर आए, उनके पास जो कुछ भी कौड़ी का जमा था वो बैठ करके खा करके खर्च कर दिए और आए तो कर्जा लेकर के आए। आप देखिए इन्होंने लॉकडाउन किया जिस समय, कहने का मतलब है यह जो कोरोना जैसी बीमारी यह विदेश से आया है, अमेरिका के ट्रंप जो अहमदाबाद में आए हुए थे मोदी ने उनको साथ जाकर के जश्न मनाया और जश्न मनाने के दौर जब पत्रकार ने उनसे पूछा
ये बगैर अभिनेत पुत्र वजह से इन्होंने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। इनको सबसे पहले विदेश से जो जहाज आ रही थी उनको बंद करना चाहिए था। हमारे गरीब गुर्ने के बाल बच्चे जो वहां पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, काम काज बंद हो गया था, बीमारी का भय था, उनको मतलब बाइटर उनको घर लाना चाहिए था। यहाँ की सरकार भी उन गरीब के बाल बच्चों को लाने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, बीमार बढ़ते गए, लाचार होकर के हमारे वहाँ जो गरीब गुर्बे भाई बहन और उनके साथ जो बाल बच्चे थे लाचारी में भुखमरी के आवेश में आकर के उन्होंने सोचा कि अब मरना है तो कुछ भी करना है। अब सोचा कि चाहे यहाँ भूखे मरे या पैदल घर चले, तो वहां से मतलब कुछ लोग ट्रक करके, कुछ लोग रिक्शा से, कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग ठेला से अपने बाल बच्चों को कंधे पर लेकर के, अपने पिता को कंधे पर लेकर के, अपने साथ जो जितने भी परिवार थे जिनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था वो रेलवे का ट्रैक पकड़ करके अपने घर आ रहे थे। हाथ थक करके वो कहीं कहीं वो मतलब रेलवे के ट्रैक पर पड़ गए। सरकार की नाकामी के चलते उनको रेलवे ट्रैक पर ध्यान देना चाहिए था कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के गरीब हैं वो जो बिहार या अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमको रेलवे का जो कर्मचारी है उनको अलर्ट करना चाहिए। उनको अलर्ट किए बिना आप देख रहे हैं 14 15 16 की संख्या में हमारे नौजवान जो बेरोजगार थे, बाहर कमाने गए थे, वो रेलवे के पटरी पर कट करके अपना प्राण गंवा दिए। कहने का मतलब है कि गरीबों पर इन्होंने जनसंहार का काम किया, इन पर मुकदमा चलना चाहिए था। आप दूसरे तरफ देखिए बहुत सारे हमारे गरीब गुर्बे जो मतलब ट्रक पर आ रहे थे, बस पर आ रहे थे, रास्ते में कहीं पर गाड़ी पलट गई, कुछ भी हुआ, वो लोग अपने प्राण गंवाए। मतलब सैकड़ों की संख्या में वो आने के क्रम में हमारे बिहारी जो हैं वो प्राण उछावर कर दिए, वो मतलब समर्पित हो गए और लाचार हो गए और लाचार होकर के मारे गए। अभी संसद सत्र चल रहा था, ये लॉकडाउन में जब उनसे पूछा गया मोदी जी से कि मोदी जी हमारे जो लॉकडाउन में गरीब गुर्बे मारे गए इनको आपने मुआवजा के लिए क्या किया, इन्होंने जवाब दिया कि गरीबों को जो लॉकडाउन में आ रहे थे इनको मरने का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। साथियों, इसलिए हम आप लोग से कहने आए हैं, यहाँ पर भाषणबाजी नहीं, यहाँ पर जन संवाद है। जरा आप बताइए, हमारे गरीब गुर्बे मारे जा रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं लॉकडाउन में, भूखे मर रहे हैं, रास्ते में आने के क्रम में मर रहे हैं, लेकिन इनको जो मारे गए उनके लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई डाटा नहीं है। मतलब इनको कीड़ा मकोड़ा के बतौर वो समझ रहे हैं। इनके साथ बहुत सारे साथी गए हैं, अभी जीतनराम मांझी भी NDA के समर्थन में चले गए हैं। किस लिए? क्या वो गरीब के हित के लिए गए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने सत्ता में, वो अपने कुर्सी के लालच में इधर सोचे कि सीट कम मिलता है, थोड़ा उधर चले और उधर चले गए। आप जाकर के देखिए, ये गरीबों के साथ ये संसदीय प्रणाली में जाकर के ये अपने ही आधार के साथ ये मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहीं भी मांझी पर अत्याचार होता है तो वो दर्शन तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वही कहिए अमीर लोग मारे जाए, ऊपर अपर ऊपर कष्ट के लोग मारे जाए, उन पर एक कोशिश आ जाते हैं। तो साथियों, या जो भाजपा हमारे आपकी पार्टी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये लगातार गरीब वर्ग के लिए संघर्ष किया है। इसके पास ना कोई जात है और ना कोई पात है। आज जिस समय आज से 10-20 वर्ष पहले जो गरीबों को सम्मान नहीं मिला था, खटिया पर बैठने की आजादी नहीं थी, आपको साथ में स्कूल में उनके बच्चों के साथ पढ़ने की आजादी नहीं थी, आप उसके साथ घूम फिर नहीं कर सकते थे। इस लड़ाई को आप अपने परिवार से पूछिए, क्या भाजपा माने के कार्यकर्ता मतलब अपने प्राण का न्यौछावर कर करके जनता भी से अपना प्राण का न्यौछावर किया, लड़ाई को आर पार किया और आज आप उस मंदिर को प्राप्त कर लिए हैं। तो साथियों, आज लड़ाई का तरीका बदल चुका है। इस संसदीय प्रणाली में बुलेट की लड़ाई नहीं है, बैलेट की लड़ाई है। आप बुलेट की लड़ाई बड़ी कठिन थी और बैलेट की लड़ाई आसान है, यह बात को आपको समझना होगा इस सरकार को बदलने के लिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यार हाल ही में देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, महादलित परिवार से आते हैं,
उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पूंजीपति किसान भी हैं, लेकिन बिहार में मैं कहता हूँ 80% आबादी ऐसी है जो गरीब बटाईदार चौहा पट्टा करके खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके लिए सरकार ने इस लॉकडाउन की आग में छिप करके किसान विरोधी बिल अध्यादेश पारित कर दिया है। और उस अध्यादेश जो पारित हुआ था उस पर कोविड हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मुहर लगा दिए हैं। आप जान रहे हैं वो अध्यादेश क्या है, पूरा आपका जो खेती है वो कारपोरेट के हाथों में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ये कारण है कि हमने खास सुरक्षा अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम का नियम है कि कोई भी बड़ा बड़ा पूंजीपति जहाँ जो छोटे छोटे दुकान है मंडियां है इसको समाप्त कर दी जाएगी और बड़े बड़े कारपोरेट घराने इस जो आपका कृषि उत्पाद है उसको स्टॉक करके वो भंडारण करेंगे और अपनी इच्छा के मुताबिक वो मतलब बाजार में मुहैया कराएंगे। आप लोग देखते हैं कभी कभी सरसों का तेल कभी 80 रुपये तक हो जाता है 2 रुपये। आज हमारा खाद्य पदार्थ इस पर अधिकार दे दिया गया है। चावल है, चावल को खरीद करके स्टॉक करेंगे, गेहूं को खरीद कर स्टॉक करेंगे, मसूर को खरीद करके वो स्टॉक करेंगे। आप जब यहाँ बाजार में किल्लत होगी तो आपको वही जो 30 रुपये का चावल मिल रहा है वो आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ के किसान सिर्फ उत्पादन करेंगे आपके बाद में भूखे मरेंगे। इस बात को आप लोग को समझना होगा। आज इन्होंने यह कानून बनाया है कि बहुत बड़े बड़े सेक्टर में जैसे जहाँ पर चिप्स वाला आएगा वो कहेगा कि यहाँ पर हमें आलू की खेती करना है, हमको 50 बीघा खेत दे दीजिए। खेत तो यहाँ भिन्न भिन्न किसानों का है, कुछ कहने का मतलब राजेश का है तो कुछ महेश का है तो कुछ गणेश का है तो कुछ दिनेश का है। सबकी सहमति से वो तय कर लेंगे कि आपको हम आलू देगा तो आप अभी मार्केट में 20 रुपये बेचते हैं, हम 30 रुपये लेंगे। आपको लगा कि तो बहुत अच्छा मौका मिला है, उस पर आपको मतलब 50 रुपया खेत का एग्रीमेंट करेगा और कहेगा कि आप लोग खेती जाइए और इस तरह से मतलब आपको खेती जाने का मौका देगा। जब वस्तु उपजेगा तो कीमत निर्धारित करके और वो ले जाएगा। लेकिन इसके संबंध में खामियां भी है कि जब आप उत्पादित उत्पादन करने में आप परसों रेडी में धान हुआ था, धान का मतलब पानी निकल गए और उसके बाद आप